that I don't want to be in. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. बाइक को कर दिया है क्लीन अभी, और अभी मैं जा रहा हूँ हेलमेट को चेंज करने का टाइम आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, आपको दिख रहा होगा कितने सारे स्क्रैचेस आ रखे हैं। और मैं ये हेलमेट को क्यों चेंज कर रहा हूँ और एक इंसान को क्यों हेलमेट टाइम से चेंज कर लेना चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा। तो चलते हैं एक बार, अभी चल रहे हैं सीधा हेलमेट लेने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी होती है अगर आप नया हेलमेट लेने वाले हैं, और आपको क्यों परचेज करना चाहिए हेलमेट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पुलिस वाले हैं इनके लिए हेलमेट नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेना चाहिए। लेकिन कई बात ये लोग समझते नहीं है, बस हेलमेट पहनते हैं सर पे। जैसा कि ये दिख जाएगा, ये अंकल जा रहे हैं, इनका हेलमेट देखो साइड से खुला हुआ है, बस इन्होंने पुलिस के प्रोटेक्शन के लिए पहन रखा है हेलमेट। और ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जैसे इससे 100 रुपये का हेलमेट पहन रखा है, आगे वाले के भी जो है वो खुला हुआ है नीचे का जो है लेस लगाने के लिए। तो गाइस, आपको ऐसे हेलमेट नहीं लेना है, सिर्फ लेना है तो रियल में आपको अपने हेड के प्रोटेक्शन के लिए लेना है कि ये नहीं है कि सिर्फ लॉ से बचने के लिए आपको लेना है हेलमेट। तो मेरे हेलमेट में क्या दिक्कत आ रही थी और मैं क्यों 4-5 साल के बाद अपना हेलमेट चेंज कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो फॉर्म जो होता है ना हेलमेट का, वो थोड़ा सा क्या है कि टाइम के हिसाब से ख़राब हो जाता है, और 2-3 बार गिरने के बाद इम्पैक्ट आने के बाद में थोड़ा सा हेलमेट की जो चीज़ें होती है ना वो थोड़ी वीक हो जाती है। और अगर जैसे आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स खेलते हैं तब तो आपको पक्का ही ये सब चीज़ चेंज करनी चाहिए टाइम रहते हुए, जैसे कि मैंने चेंज कर रखी है। मैं गिरा भी हूँ, मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ यहाँ शेयर कर दूँगा, पहले मेरे को अपने लैपटॉप में ढूंढनी पड़ेगी और फिर मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ फोटो। तो जो गिरने वाले शॉट है मेरे, जो मैंने वाइज़र जो आगे लगा रखा है ना, तो ये मेरा सेकंड वाइज़र है। वाइज़र के क्या साइड से हल्का सा ये ऊपर हो गया है, सेकंड वाइज़र के प्रॉपर फिट नहीं हुआ, और इसी वाइज़र के साथ ही मैं लद्दाख चला गया था। और सारी जो ठंडी हवा है ना वो मेरे हेलमेट के अंदर आ रही थी। और मैं जैसे भाई गोप्रो यूज़ भी करता हूँ, तो मैं हाई स्पीड के अंदर अगर मैं यूज़ करूँगा ना, तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, बहुत ही आपको बेकार सा साउंड आएगा। हेलमेट आने की वजह से और क्या चीज़ें हो जाएगी, अच्छा खासा मेरा जो नॉइस है ना वो और ज़्यादा क्लियर होने लग जाएगा, आपको आवाज़ और बेहतर सुनाई देगी। और थोड़ी हाई स्पीड के अंदर में क्रूज़ करते हुए अराउंड 80-100 पे भी मैं अच्छे से आपसे बातचीत कर पाऊँगा जब मैं राइड करूँगा। और ये धीमे धीमे एक तैयारी भी नेक्स्ट राइड के लिए हो रही है, जो कुछ आने वाले समय में मैं एक राइड करने वाला हूँ काफ़ी अच्छी खासी। मेन बात जो कि मैंने आपको बताना भूल गया इस ट्रैफिक के चक्कर के अंदर, क्योंकि डबल माइंड इंसान हो जाता है ना, अभी आगे भी देखना है, आपसे बातचीत भी करनी है। तो बात ये थी कि एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप किस ट्रेडमार्क का आप ले रहे हैं हेलमेट, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे ISI हो गया, फिर डॉट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन US, वो US का वहाँ पर वो सर्टिफाइड होता है। उसके अलावा ECER जो कि मेरा अभी LS2 जो हेलमेट है वो काफ़ी अच्छी रेटिंग है, इसमें सबसे हैवी टेस्टिंग होती है इस रेटिंग में। तो अभी सीधा चलते हैं उधर और फिर मैं आपसे बातचीत करता हूँ वहाँ पर, किस तरह का हेलमेट है और क्या क्या चीज़ें उस हेलमेट के साथ में मिल रही है, मैं आपको वहीं चल के बताता हूँ। तो चलते हैं फटाफट, शाम हो गई है और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ आज। भैया की शोरूम पे, हेलो भैया, कहाँ है हेलमेट जो आप फ्री में देने वाले हो मेरे को? वो पड़ा है मेरे पास ही है, मिल जाएगा। सो ये है एक्सोर का मैट ब्लैक हेलमेट, और इसकी फीचर्स के बारे में भैया थोड़ी डिटेल में बता देंगे। तो इसमें क्या क्या मिल जाता है अभी? इसमें आपको 3 वाइजर मिल जाएंगे। ओके, तो विंडशील्ड वाइजर तो है ही है, सन वाइजर और एंटी फॉग वाइजर जो इसके अंदर लगा हुआ है, सर्दियों में बहुत काम है, फॉग जमा नहीं होता है, फॉग जमा नहीं होता है। और इसमें आपको नया स्पॉइलर के साथ में मिल रहा है, पहले छोटा स्पॉइलर आया था, एरोडायनामिक शेप के लिए है, मतलब आप अगर स्पीड में काफी अच्छा स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा। और जैसे कि आपको मैट ब्लैक आपका फेवरेट कलर है, ये स्पेशली भैया ने मेरे लिए पर्सनली ऑर्डर करके मंगाया है, मैंने कहा था मैट ब्लैक चाहिए तो उन्होंने मैट ब्लैक मंगाया। काफ़ी अच्छा ख्याल रखते हैं जेन्युइन ऑटो पार्ट्स अपने कस्टमर्स का, सारी बातों को सुनते हैं। ये आपका एम साइज का है, इसमें तीनों सर्टिफाइड है, डॉट, EC और ISI।
तो मुझे थोड़ा डाउनग्रेड नहीं करना था इसमें आपको, सारा देखो मिल जाएगा, डॉट मिल जाएगा, ECE मिल जाएगा जो कि सबसे अच्छा बेहतरीन है, ISIB है, गवर्नमेंट नॉर्म्स है इसमें, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है ये आप क्लोज और ये ऑन। मुझे एक और चीज़ ये पूछनी थी जो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती, एक बार ओपन करी, ये चीज क्या काम में आती है, जैसे कुछ विंड वगैरह जो है डायरेक्टली यहाँ पर फील नहीं हो, क्योंकि जब विंटर के अंदर आप चलाते हैं बाइक तो यहाँ पर नोज पे फील होती है। आप जब है ना ऑफ रोडिंग के लिए कभी कभार जाते हैं या फिर बहुत सारे विलेजेस से क्रॉस होते हैं ना, तो वहाँ पे धूल बहुत उठती है। तो आप अगर है ना ये नोज प्रोटेक्शन के बोलते हैं इसको, तो नोज में बहुत सारा कचरा चला जाता है और उसकी वजह से अपने को बहुत इरिटेशन वगैरह होती है, तो उसकी सेफ्टी के लिए है। प्लस ये डायरेक्ट हवा नहीं छोड़ता है इस कांच पे, हाँ हाँ, फॉग कम चांसेस बनते हैं जैसे अपन ब्रीथ करते हैं आउट, तो उसके उस टाइम में फॉग बन जाता है वो। हाँ, तो ये एक तरह से डायरेक्ट वो प्रोटेक्शन करता है, डायरेक्ट नहीं भेजता। तो देखिए गाइस, अगर आप ले रहे हैं हेलमेट तो ये देखिए आपको ये भी इसमें मिलना चाहिए, काफी अच्छा ये फीचर है इसके अंदर हेलमेट में। और इसके अलावा एक और चीज थी, जैसे ये नीचे जो दे रखा होता है ये चिन कर्टन, चिन कर्टन, तो चिन कर्टन क्या करता है इसमें, हेल्प क्या करता है इसमें, आपके अंदर के साइड में हवा ना जाए। हाँ, अंदर के साइड हवा ना जाए, इसलिए मान लो आप लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हो या फिर किसी से बात कर रहे हो, ब्लूटूथ सिस्टम अंदर लग रखा हो, तो उसके लिए डायरेक्ट एयर नॉइस ना जाए, उसके लिए एक तरह के नॉइस कैंसिलेशन का ये काम करता है। तो अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद चीज होने वाली है, सर्दियों में भी बहुत फायदा है इसका, हवा अंदर नहीं जाती है। तो देखो मेरा हेलमेट तो आ गया है और जनरल ऑटो पार्ट्स ने मेरे को एक हेलमेट अच्छा सा गिफ्ट किया है। बाय द वे, इस हेलमेट की प्राइस क्या है अगर दूसरे लोगों को हेलमेट परचेज करना हो तो? 4994 MRP है इसकी। ओके, बाकी थोड़ा बहुत हो जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, अगर जोधपुर में रहते हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करिए और अच्छा से अच्छा हेलमेट लीजिए। मैं को पहन लेता हूँ, गेयरअप हो जाता हूँ थोड़ा। और एक और चीज जो बताना भूल गए थे इसके अंदर, साथ में आपको मिलते हैं काफी सारे स्टिकर्स एग्जॉर के और एक छोटा सा स्पॉइलर मिलता है जो कि आप पीछे अटैच कर सकते हैं इस पे। और ब्लड ग्रुप, इसमें आप अपना सबसे अच्छा चीज है अपना ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं। हाँ, ये काफी अच्छी चीज है, ये चीज होनी चाहिए, हर हेलमेट के साथ आनी चाहिए। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए, अगर आप बाय चांस कुछ हो जाता है तो वो चीज काफी हेल्प करती है। तो गाइस ये था आज का वीडियो और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, राइड सेफ।